तो अभी गाड़ी चंबा पे रुक चुकी है, ठग बहुत लग गई। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं उत्तरकाशी। तो ये नदी गौमुख से निकलती है और आज तो मतलब ऊपर साइड बहुत बारिश हो रही है, तो अभी मतलब पानी इतना साफ नहीं है, मटमैला हो रखा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। तो आज की जो हमारी मतलब आज का जो सफ़र है वो हमारा 250-250 किलोमीटर करीब हो रहा है, और मैं अपनी बाइक नहीं लेके जा रहा हूँ, बाइक हमारी यहीं है, और मैं लेके मतलब मैं जा रहा हूँ आज बस पे, और हम उत्तरकाशी जा रहे हैं। उत्तरकाशी मतलब बहन को भी छोड़ना है, तो घर वाले बाइक के लिए मना कर रहे हैं क्योंकि बहुत दूर है और पीछे वाली सीट इसकी इतनी कम्फर्ट भी नहीं है जो दो ढंग से जा पाए। तो मैं कुछ इस प्रकार का बना हूँ, अभी फिर चलते हैं बस पे। पापा लोग इंतज़ार कर रहे हैं बाहर, चलते हैं। तो हम बस में जा रहे हैं और बस में मेरी तबीयत होती है ख़राब, और मैंने वोमिटिंग की दवाई भी खा ली है, तो मतलब देखते हैं क्या होता है। अभी तो हम नटराज वहाँ बस अड्डे जा रहे हैं पहले बस में, और फिर गाड़ी भी रेडी हो चुकी है, और गाड़ी अभी मैं ही ड्राइव कर रहा हूँ, तो बस अड्डे जाएंगे, वहाँ से बैठेंगे बस में, और अभी सामान सामान रख रहे घर वाले, तो चलते हैं फिर। A few minutes later, तो हमारी बस निकल चुकी है अब उत्तरकाशी के लिए, बस भी फुल हो गई, अभी बीच बीच का सीन दिखाएंगे आप लोगों को बस। तो जब से हम बस में बैठे तब से बारिश हो जा रही है, रास्ते में कोहरा कोहरा भी छा रखा है, और मौसम आज सही हो रखा है, बढ़िया हो रखा है, मतलब अगर हम बाइक में आते तो ज़्यादा अच्छा लगता हमें ऐसे मौसम में। आज का जो मौसम है ना वो बड़ा मस्त हो रखा है, बादल ही बादल छा रखे हैं पूरे रास्ते में, और बारिश की बूंदें भी पड़ी है, ठंडा हो रखा है मौसम, और बीच बीच में तो इतने सारे पत्थर गिर रखे हैं ना, क्या बताऊँ आपको। अभी गाड़ी चलने पर रुक चुकी है, ठंड तो बहुत लगी, मतलब बीच स्टार्ट किया तो मैंने बोला कि 250-250 किलोमीटर का सफ़र है, तो 250 का नहीं है मतलब 170-180 किलोमीटर का है, मतलब ऋषिकेश से उत्तरकाशी। यहाँ पे नई टनल बन चुकी है, मतलब ये जो बगल में इसके पहाड़ है वो खड़ा है, तो लैंडस्लाइड कभी भी हो सकती है, मतलब पत्थर पुत्थर गिरते रहते हैं, जब मैं पहले भी आया था तो पत्थर पुत्थर गिरते रहते थे यहाँ पे, तो अब यहाँ पे एक नई टनल बन गई है, क्योंकि मैं इस रास्ते से नहीं आया, पता नहीं कब से बन रही है ये वाली। तो हम पहुंच चुके हैं, मामा भी आगे पर खड़ा हो रखा है हमें लेने के लिए सामान सामान, क्योंकि हम पे ज़्यादा है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं उत्तरकाशी, अभी हम अपनी मंजिल पे जा रहे हैं, मतलब जहाँ मौसीर का घर है, तो सीधे वहीं मिलते हैं। अभी ये चढ़ाई चढ़नी है यहाँ से ऊपर, तो फिर वहीं जाके व्लॉग शूट करेंगे। उत्तरकाशी पहुंच गए थे, तो उसके बाद हमने जैसे हम पहुंचे खाना खुना खाया, फिर रेस्ट किया, थक गई थी पूरी बॉडी, तो अभी मैं चाय पी रहा हूँ, और 6 बज गए, फिर मतलब ब्लॉग कल कंटिन्यू करेंगे, अगर मार्केट साइड जाएंगे तो मार्केट दिखेंगे थोड़ा बहुत, और आज तो कहीं लग नहीं रहा कि हम जाएंगे, और यहाँ का मौसम भी सही हो रखा है, ठंडा ठंडा चिल चिल वाला, तो अभी पहले चाय पी लेते हैं, अगर मार्केट अभी जाएंगे तो मार्केट का भी दिखा दूंगा मैं आपको, वरना कल दिखाएंगे फिर आपको। तो थोड़ी मेरी आवाज़ भी बैठ रही है पता नहीं क्यों, इसलिए मैं गरम गरम चाय पी रहा हूँ। ये तो फ़ोटो खिंचा रहे दोनों, जो यहाँ पे ये रुक जा ना भाई, तो जो ये यहाँ नदी बह रही है, ये भागीरथी नदी है, गौमुख से निकलती है वाली, और ये देवप्रयाग में मिलती है, और फिर वहाँ से मतलब गंगा बोलना शुरू हो जाता है इसको, फिर ऋषिकेश ऋषिकेश मतलब सब जगह यही मिलती है, यही वाली नदी मिलती है। तो ये नदी गौमुख से निकलती है, और आजकल मतलब ऊपर साइड बहुत बारिश हो रही है, तो अभी मतलब पानी इतना साफ नहीं है, मटमैला हो रखा है, मतलब मिट्टी मिट्टी वाला, तो देख लो आप। और यहाँ पे डैम भी है आगे पे, मतलब झूले पुल तो बहुत है इधर उत्तरकाशी में,
नीचे साइड भी है और एक दो दो तीन ऊपर साइड भी है यहाँ को ऊपर साइड, और यहाँ पे बीच में एक सुरंग भी है, और यहाँ पे से कहीं से वी टॉप है कहीं पे इधर ही साइड है, तो वो यहाँ पे मतलब इधर साइड वी टॉप है। उस टाइम मैं व्लॉगिंग नहीं करता तो मैं उस टाइम गया था वहाँ, मतलब हमें यहीं पे आना है यहाँ पे इस पहाड़ पे, और इतना घूम के आना पड़ता ना, मतलब एक घंटे का रास्ता तो होगा ही ना यहाँ पे आने के लिए, तो एक घंटे का रास्ता मतलब वहाँ से पूरा उत्तरकाशी दिखता है। अगर मैं जाऊँगा तो मैं वो भी दिखा दूँगा आप लोगों को, पर अभी हम थोड़ी देखते हैं नीचे सड़क में जाते हैं फिर घर पे क्या करेंगे हम, तो अभी चलते हैं फिर आपको थोड़ी बहुत वीडियो दिखाते रहूँगा। मैंने इतने बीच में कुछ बोला नहीं क्योंकि मेरी थोड़ी मतलब मैंने दवाई खाई थी ना जो, तो उससे मतलब नींद आ रही थी और मैं फिर सो गया था, आराम कर रहा था, बीच बीच में मैंने ऐसी वीडियो बनाई बस। तो अभी मामा के साथ चलते हैं नीचे, थोड़ा बहुत इधर उधर घूमते हैं फिर मतलब बॉडी को रिलैक्स मिल जाएगा जितनी भी थकी हुई है, फिर चलते हैं। तो अभी हम मेन रोड पे आ चुके हैं, मेन रोड से नीचे आ गए और हम गाड़ी पे जा रहे हैं, मतलब फोर व्हीलर पे, गाड़ी ऐसी गाड़ी नहीं बाइक बुइक नहीं, फोर व्हीलर पे जा रहे हैं, थोड़ी बहुत मार्केट साइड घूम के आते हैं उसमें। अरे यहाँ गाड़ी पार्क होती है नीचे पे, मतलब मुझे इतना भी नहीं पता यहाँ का, तो अभी गाड़ी पे चलते हैं और बस यहाँ गाड़ी है, गाड़ियाँ पार्क हुई ही रहती है लोगों की। इनमें से कौन सी हमारी भाई, कार वॉशिंग है देखिए, इनमें से कौन सी एल वाली है कि एल वाली और हमारी गाड़ी है ये बीच वाली अबे लर्निंग तो वो तेरे लिए है ना। यहाँ पे भी इतने सारे कुत्ते चौकीदारी कर रहे गाड़ियों की मामा ड्राइवर है अभी फिलहाल के लिए। तो अभी हम घूम के आ चुके हैं, मतलब हम वैसे मार्केट साइड नहीं गए, बार बार मार्केट साइड गए थे, और अब मतलब कल जाएंगे घूमने मार्केट साइड। तो ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, होप करता हूँ आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो। ब्लॉग में मतलब ज़्यादा कुछ था भी नहीं, बट फिर भी ब्लॉग को लाइक करना और शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को।